कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश अब आपके सागर शहर के बीचों बीच, वह भी सर्व सुविधा युक्त आवास फ्लैट एवं प्लॉट बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया पुरुषोत्तम चौरसिया। प्रदेश में भ्रष्टाचार कितनी चरम सीमा पर है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। आज ऐसे ही भ्रष्टाचार की हम आपको दास्ता बता रहे हैं। यह दास्ता जरासल मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी, जहां पर किसानों से केंद्र प्रभारी किस प्रकार तुलाई के एवज में पैसे मांगते हैं और मोटी रकम लेने के बाद ही किसान की तुलाई करते हैं और उनके बिल बनाते हैं। लेकिन मजबूर किसान इसकी शिकायत करने से इसलिए डरता है कि उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अनाज में कोई कमी केंद्र प्रभारी निकाल दे और फिर केंद्र पर मेरा अनाज ही न खरीदा जाए। इसी क्रम में सुरखी विधानसभा क्षेत्र के बलेरा में मूंग खरीदी केंद्र प्रभारी मुन्ना लाल जैन और किसान राम अवतार से राजपूत के बातचीत का एक आईडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस आईडियो में केंद्र प्रभारी मुन्ना लाल जैन किसान की मूंग पास कराने के एवज में रुपयों की मांग कर रहे हैं। वहीं आप आईडियो में सुन सकते हैं कि केंद्र प्रभारी मुन्ना लाल जैन किस प्रकार 35 क्विंटल मूंग की मोटी रकम मांग रहे हैं। कुछ मूंग उसमें से खराब है, उसके एवज में वो अलग से 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र प्रभारी मुन्ना लाल जैन कह रहे हैं कि खराब मूंग के एवज में ऊपर तक रुपए देने पड़ते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि यह खराब मूंग खरीद कर सरकार को केंद्र प्रभारी चूना लगा रहे हैं, जिस पर अब सरकार को अपनी निगाहें घुमानी चाहिए और ऐसे केंद्र प्रभारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि जिले की मूंग खरीदी केंद्रों में किसानों की मूंग पास कराने के एवज में लगातार केंद्र प्रभारियों द्वारा पैसों की मांग किए जाने की शिकायत किसानों से सामने आ रही। इसके बाद अभी यह आईडियो वायरल हुआ है। अब देखना होगा कि जिले के आला अधिकारी इन केंद्र प्रभारी महोदय जैन साहब पर क्या कार्रवाई करते हैं, यह तो वक्त रहते पता चलेगा। हालांकि इस आईडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं करते कि मूंग के खरीदी केंद्र प्रभारी जैन साहब ने पैसे नहीं मांगे हैं। ब्रजेश गौतम, खबर एक्सप्रेस न्यूज सुर्खी। बहुत है बहाना भाई, बहुत है। जाए क्या रहा सुन सकाई ना या तुमने, हमने भूपेंद्र संभी को आई थी तुम्हें फोन लगाओ तो। हाँ सो मैं कहा है कि वो तो अच्छो माल जा सो पैसा लग रहा करे का, हमारी को नहीं लग रहा जितने जिले में सेंटर है। हाँ गेयर वो को नहीं उतर रहा को सीटी बहुत होगा पैसा और मनो वहां बे। हम सवेरे कर ले तुमसे चर्चा कौन होगा कहा होगा, हम सवेरे बताई दू। सो सवेरे कहा देखो हम खुद ही तो ना तुम्हारे के लिए भाई उन्हीं से पूछो तुम्हारे रिश्तेदारों से कि जो कि उनकी आई थी 35 क्विंटल तुली 10,000 रुपए जलाए उनने। सो 35 क्विंटल में वो मैं खराब तो हती हमने देख लाई है। देख लाई कितनी खराब हती? 8 कट्टी नो हम 6 कट्टी हती। 8 बता रहे हैं 8 में चलवाओ है इतने में तो हम कह रहा है कि यार बहुत ज्यादा है खर्चा। क्या क्विंटल आई थी? 35 तो 7 तो ऊंचा ही होगा 7,000। आओ 500 रुपए जो क्विंटल से कहा ने। अरे 500 का है 7 तो ऊंचा ही भाई। कैसे 200 में? हाँ अच्छा अब कहा है कैसी हम सभी देख के तुम्हें बता दें। ठीक है बता दू। हाँ 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 कहा हो? घर ही थे बात। हेलो कितनी खराब पहुंचा थी? खराब का छूने थी वो मैं हम बताएं कि जो तो अब आना ढूंढी चल कर रहे हैं काम। आओ अब बस देखो का हो थे सुन लाई। आओ वो तो बस होगा अब दुनिया है वो तो परी है। आओ वो तो होगा इनको काम तमाम अब ध्यान कर दूंगे तो बनवा इनको तो होगा काम। अब बारी भीड़ पड़ रही है। आओ चलो भाई हम तो मैं लगाऊंगा फिर। चलो ठीक है। श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष नेमा चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड रहली देवरी रोड चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 91 31 25 97 36।